नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में मुखबिर बच्चों के लिए लगातार कलेक्टर दिनेश जैन की सराहनीय पहल है। उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, पढ़ाई में वो आगे बढ़े, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। मुखबिर बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से साइन लैंग्वेज सिखाने को लेकर लगातार 6 महीने से क्लासेस चल रही है। अपर कलेक्टर नेहा मीणा जब नीमच में पदस्थी, तभी कलेक्टर दिनेश जैन दोनों ने मिलकर एक सराहनीय पहल की शुरुआत करी थी। कलेक्टर दिनेश जैन ने आज भी रेड क्रॉस भवन जिला पंचायत सीईओ के साथ पहुंचे और स्मार्ट क्लासेस का निरीक्षण किया गया। वहीं बता दें कि कलेक्टर दिनेश जैन का कहना है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से अपनी बात समझे और अपनी बात रखे, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए इंदौर की एक संस्था है आनंद सोसाइटी के माध्यम से भी उन्हें ऑनलाइन यहां पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि बेहतर से बेहतर साइन लैंग्वेज के माध्यम से वो बात समझ सके और सुन सके। साथ साथ उनके माता पिता भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों से बातचीत करें, इसको लेकर माता पिता की भी क्लासेस की जा रही है, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। नीमच कलेक्टर दिनेश जैन की लगातार देखा जा रहा है कि मुखबिर बच्चों को लेकर उनको बेहतर शिक्षा मिले, इसको लेकर प्रयास लगातार जारी है। देखिए, जो हमारे जैसे कि आपको विदित है, रेड क्रॉस के माध्यम से हम लोग मूक बधिर बच्चों का स्कूल चलाते हैं। तो ये विचार आया है कि बच्चों को, जो ये मूक बधिर बच्चे रहते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो उनको साइन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से ही अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक तो हम लोगों ने ये किया है कि इंदौर की जो आनंद सर्विस सोसाइटी है, उसके मिस्टर एंड मिसेज पुरोहित हैं, उनकी एक स्मार्ट क्लास यहाँ पर करवाई है, ताकि वो बच्चों को ऑनलाइन सिखाते हैं साइन लैंग्वेज। और दूसरा विचार यह आया है कि चूँकि बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स से भी बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अभिभावकों को साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनके जो बच्चे माँ बाप हैं, उनको भी साइन लैंग्वेज थोड़ी आने लगे, ताकि बच्चे और अभिभावक दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर पाएँ। तो ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और अभिभावकों की 5-7 क्लासेस लगाएंगे, ताकि वो लोग, बच्चे उनके क्या उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो चीज़ उनको समझ में आ जाए। बच्चे कई समय से चल रही क्लासेस, बच्चे ने बहुत प्रशिक्षण लिया है, किस प्रकार बात चर्चा वगैरह में की गई? नहीं, देखिए, क्लासेस काफ़ी पहले से चल रही हैं, करीब पिछले 6 महीने से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी चालू की है, और निरंतर इसका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, ताकि, और कुछ बच्चों को हम लोगों ने इंदौर वगैरह DCA करने भी भेजा है। तो साइन लैंग्वेज से अगर वो कर लेते हैं अपना डिग्री प्रोग्राम या डिप्लोमा, तो आगे उनको जॉब्स वगैरह भी ढूंढने में हम लोग मदद कर पाएंगे।